हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल HSC स्टडी गाइड में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जब भी आप ट्रेनिंग लेते हो तो उसका मैन हावर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, जिसमें हम देखने वाले हैं कि एक दिन में ट्रेनिंग मैन हावर्स कैसे निकालेंगे, फिर एक वीक का हम ट्रेनिंग मैन हावर्स कैसे निकालेंगे, और फिर हम देखेंगे कि एक महीने का ट्रेनिंग मैन हावर्स हम किस प्रकार निकाल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जब भी आप ट्रेनिंग का मैन हावर्स निकालते हो तो उसका एक फार्मूला होता है। वो फार्मूला है नंबर ऑफ ट्रेनिंग्स मल्टीप्लाई बाय ट्रेनिंग ड्यूरेशंस मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स। यानी कि सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कितने नंबर ऑफ ट्रेनिंग्स जो है वो कंडक्ट की गई है जिसका हमें मैन हावर्स निकालना है। फिर उसके बाद हमें ध्यान में रखना है कि ये जो ट्रेनिंग है इसका ड्यूरेशंस कितना है वो भी हमें पता होना चाहिए। और फिर उसके बाद हमें ये पता होना चाहिए कि कितने नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स है उस ट्रेनिंग में अवेलेबल। तो जितने नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स होंगे वो हमें इसमें पुटअप करना है, और फिर हमें इसको डिवाइडेड बाय करना है 60 से, तो हमें टोटल मैन हावर्स मिल जाएगा। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। मानते हैं कि हमने एक टीबीटी कंडक्ट की या फिर कोई भी ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो कंडक्ट किया, और उसका जो टाइम ड्यूरेशंस है वो है 30 मिनट्स, और उसमें जितने भी पार्टिसिपेंट्स है वो है टोटल 25। तो अब हमें ये कैलकुलेट करना है कि इसका टोटल मैन हावर्स कितना बनता है। तो वैसे ही फार्मूले में पुटअप करते हैं कि नंबर ऑफ ट्रेनिंग्स जो है वो है एक, और फिर उसको हमें मल्टीप्लाई बाय करना है ट्रेनिंग ड्यूरेशन से, और ड्यूरेशन कितना है यहाँ पर 30 मिनट्स, और कितने नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स है तो वो है 25, और डिवाइडेड में आएगा 60। तो इसका टोटल आंसर आ जाएगा 12.5, यानी कि 12.5 जो हावर्स है इतना हमने ट्रेनिंग कंडक्ट किया है। चलिए अब हम देखते हैं कि ये जो टोटल मैन हावर्स है ये हम एक वीक का कैसे निकालेंगे। तो सिंपली आपको क्या करना है कि इसमें टोटल नंबर ऑफ जो ट्रेनिंग्स है वो खाली चेंज करनी है, यानी कि कितने नंबर ऑफ ट्रेनिंग जो है वो आपने कंडक्ट की है वो इसमें मेंशन करना है। तो सेम एग्जांपल लेते हैं कि जैसे ये जो ट्रेनिंग है जिसका टाइम ड्यूरेशन है 30 मिनट्स और उसमें टोटल 25 पार्टिसिपेंट्स है, और ये जो ट्रेनिंग है जिसे आप टीबीटी ट्रेनिंग हो या फिर कोई स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम हो वो कंसिडर कर सकते हैं। तो ये जो ट्रेनिंग है ये आपने कंटिन्यू 7 डेज दी है, तो उसी 7 डेज के अनुसार अब हम इसका टोटल मैन आवर्स कैलकुलेट करते हैं। तो उसमें नंबर ऑफ ट्रेनिंग जो आएगा वो आएगा 7, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे कि कितने ट्रेनिंग ड्यूरेशंस है, यानी कि ट्रेनिंग का ड्यूरेशंस है 30 मिनट्स, और उसको मल्टीप्लाई बाय हम करेंगे कितने नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स है जो है हमारे टोटल 25, और उसको डिवाइडेड बाय करेंगे 60 से, तो हमारा टोटल आंसर आएगा वो रहेगा 87.5, यानी कि 87.5 हावर्स जो है वो 1 वीक का टोटल ट्रेनिंग मैन हावर्स है। चलिए अब हम देखते हैं कि एक महीने में अगर आप ट्रेनिंग कंडक्ट करते हो तो उसका हम ट्रेनिंग मैन हावर्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सेम एग्जांपल लेते हैं और देखते हैं कि ये जो ट्रेनिंग है जो 30 मिनट के लिए दी गई है और टोटल 25 नंबर पार्टिसिपेंट्स है, ये टोटल आपने एक महीना कंडक्ट की यानी कि 30 दिन कंडक्ट की, तो उसी के सहारे ये जो ट्रेनिंग मैन आवर्स है अब हम कैलकुलेट करते हैं। तो सिंपली आपको क्या करना है कि इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्रेनिंग्स कितना है वो आपको सबसे पहले पुटअप करना है, वो है 30 मल्टीप्लाई बाय ट्रेनिंग का ड्यूरेशन कितना है वो है 30, और मल्टीप्लाई बाय कितने नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स है तो वो है 25, इसमें डिवाइडेड करेंगे 60 से, तो उसका जो आंसर आएगा वो रहेगा 375 हावर्स, यानी कि एक महीने का ट्रेनिंग मैन हावर्स जो है वो है 375 हावर्स। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चल गया होगा कि ट्रेनिंग मैन हावर्स हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसमें हमने देखा कि एक दिन में कितने नंबर ऑफ ट्रेनिंग्स अगर होते हैं तो उसके जरिए एक दिन का हम ट्रेनिंग मैन हावर्स निकाल सकते हैं, उसी तरह हम उसका वीक का हम कैसे ट्रेनिंग मैन हावर्स निकाल सकते हैं, और फिर हमने देखा कि एक महीने का भी हम ट्रेनिंग मैन हावर्स कैसे निकाल सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।